राष्ट्र वंदन समिति के तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन रविवार को काव्य अंजलि प्रतियोगिता का समापन विजयी प्रतियोगियों के सम्मान के साथ संपन्न हुई। रविवार को काव्य अंजलि प्रतियोगिता में गोरखपुर के युवा साथियों ने स्वरचित कविताओं से माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। तत्पश्चात कार्यक्रम के समापन पर भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने 5 दिन से चल रही विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आए प्रतियोगियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि राष्ट्र वंदन के नाम पर शुरू कार्यक्रम से युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार होगा। युवा पीढ़ी के अंदर भक्ति भाव बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए और राष्ट्रभक्ति आधारित ये प्रतियोगिता में भाग लिए बच्चे सभी बधाई के पात्र हैं और शुरुआत में मिली भारत भक्ति की शिक्षा से ही भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा और राष्ट्र वंदन समिति एक मंच है भारत की भक्ति के प्रचार प्रसार का। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे, श्याम बिहारी अग्रवाल, अध्यक्षता डॉ. रूप कुमार बनर्जी ने की। कार्यक्रम की प्रस्तावना दुर्गेश त्रिपाठी ने और मंच संचालन आत्रेय शुक्ला ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दुर्गेश त्रिपाठी, महापौर सीताराम जायसवाल और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम संपन्न होता हुआ मैं सीता शुक्ला जी को आवाज देता हूं कि आप आए और वंदना प्रस्तुत। गाइए गणपति जगभुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपि बुद्धि विधाता मोदक प्रिय मोद मंगल कर जोरे गाइए गणपति जगवंदन। धन्यवाद। श्रीफल राष्ट्र के नाम यह आयोजन पूरा श्रीफल प्रदान करते हुए अरविंद त्रिपाठी जी, अभिषेक हरी, एमपी इंटर कॉलेज रामदत्तपुर, एमपी इंटर कॉलेज शिव प्रसाद शुक्ल टीम, दूसरा पुरस्कार रंगोली पुरस्कार रंगोली प्रतियोगिता जूनियर वर्ग। जाइए एक ग्रुप फोटो होगा, एक साथ नहीं करा पाओगे इतने लोगों का किनारों लोग बैठ गया। अरे सभी लोग चेहरे फोटो दे दिखे, चलो आपको कुछ। विश्वकर्मा मनोज विश्वकर्मा दूसरा पुरस्कार, सामान्य ज्ञान जूनियर वर्ग पहला पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार समीर मौर्य, तीसरा पुरस्कार तुषार सोनकर चित्रस्तव, पहला पुरस्कार विभा श्रीवास्तव, तृतीय पुरस्कार श्वेता गुप्ता एकल गीत जूनियर वर्ग, प्रथम पुरस्कार इस स्पर्धा में बाजी मारी है उन्हें पहला पुरस्कार मिला है एमपी गर्ल्स सेंटर कॉलेज की छात्रा एसवीएम सरस्वती विद्या मंदिर, तीसरा पुरस्कार अनुराग गुप्ता, तीसरा पुरस्कार एकल नृत्य सीनियर वर्ग आंचल श्रीवास्तव, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार सृष्टि दुबे गोविंद जी, दूसरा पुरस्कार सृष्टि दुबे, तीसरा पुरस्कार स्वर सागर विद्यालय के छात्र गोविंद, तृतीय पुरस्कार सृष्टि दुबे, तीसरा पुरस्कार सीआरडी पीजी कॉलेज
तीसरा पुरस्कार अपने पर मीटर खा ले हो अरे बाकी का मेरा वो बेस्ट है इधर देखो टाइटल देखो मेरे अपने हाथ में वैसे ही दिखाओ मेरा हां ऐसे अभी ना भैया थोड़ा आ जाइए आ जाइए पीछे आ जाइए हम लोग भैया अरे सब लोग पीछे आ जाइए भाई मंडी जा रहा है ना एक दूसरे चेहरा नहीं ढके चलो बस रतन से महेश विश्वकर्मा जी स्वीटी गुप्ता जी स्वीटी गुप्ता जी स्वीटी मनीष विश्वकर्मा जी और इनके बाद स्वीटी गुप्ता जी मंच पर स्वीटी जी के बाद प्रभाकर पांडे जी प्रभाकर पांडे जी इधर देखिए इधर इधर देखिए सुनीशा श्रीवास्तव जी सुनीशा श्रीवास्तव जी गीत के निर्णायक सुनीशा श्रीवास्तव जी निखिल कृष्ण मुरारी शुक्ला जी लघु नाटक कृष्ण मुरारी शुक्ला जी लघु प्राइज से नवाजा गया देवेश राम त्रिपाठी जी देवेश राम त्रिपाठी भेंट करते शिखर त्रिपाठी जी पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे जी को वस्त्र माय मुकुंद जी आप संरोध डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी को आजकल के युवाओं में राष्ट्र के प्रति जो चेतना का ह्रास हो रहा है जो उसकी कमी आ रही है उसको देखते हुए राष्ट्रमंडल समिति ने यह तय किया कि एक पंच दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन करेगी जिसमें वो देश पर आधारित राष्ट्र पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम करेगी इसमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता लघु नाटक ये एकल डांस और सिंगिंग सोलो सिंगिंग एंड ग्रुप सिंगिंग ये सारा रहेगा और इसी क्रम में हम विभिन्न स्कूलों में ये कार्यक्रम परफॉर्म किए गए और उनका आज यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है जो माननीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा संपन्न किया गया है। राष्ट्रबंधन समिति द्वारा स्थानीय बच्चों के खेल कूद प्रतियोगिता नृत्य गायन में जो अच्छे अंक लाए हैं या जिन्हें विजेता घोषित किया गया है हमारे दुर्गेश त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर जनप्रतिनिधि के साथ साथ यहाँ के सभी समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं डॉक्टर हैं नेता हैं हमारे अन्य समाज के भी लोग हैं ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और सराहनीय है बच्चों के चारित्रिक बौद्धिक मानसिक विकास में यह प्रतियोगिता बहुत ही अच्छा प्रयास है और जिन बच्चों को एक मेडल मिलता है उनका उत्साह बढ़ता है और आगे और अच्छा करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। मैं राष्ट्रबंधन समिति को जो ये कार्यक्रम किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनका अपना एक वो है वो ये चाहते हैं कि मोदी को हम पराजित करें लेकिन जिसके साथ देश की जनता है उसको यह लोग जो केवल लूटने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं इस देश की जनता उनको पूरी तौर पर पराजित करेगी।